लंबरदार की बात बताऊ इना आज भाई इना आज इस तरह है कुछ इना आज तो लंबरदार की बात बताता हूँ। मने से क्या करते थे भाई, कई बारी कहते जी सरपंच बनना, बाबे कहते गांव का गधा बन जाओ लंबरदार ना बनो, खोता बन जाओ लंबरदार ना बनो, बाबा जी रह नहीं देते थे। नंबरदारियां में कुछ नहीं पड़े। यूपी की बात बताता हूँ, उधर गन्ना बहुत होता है तो उधर गादल भी बहुत होती है, गन्नों में गादल होती है तो गादलों की लहर कुत्ते बहुत पड़ जाती है, तो गादल गन्ने में आ जाते हैं। और एक दिन गादलों ने मीटिंग करी कि आप लंबरदार बनावा, एक क्या आप एक लंबरदार बना लिया गादल को, तगड़ा आदमी ने बनाओ भाई कि लंबरदार की क्या निशानी है, क्या ही लंबरदार का नेड़ा छाजनी बांधो छाजनी सच है हाँ, क्या कुत्ता नेड़े को नहीं आवे, क्या चलो भी लंबरदार नागा लगाओ, 10-20 गादड़ हो गए गांव का नहीं गया तो गंडक पड़ गया बात के, तो लंबरदार क्या भाज लो, क्या लंबरदार जी तू तो लंबरदार है, कहता भाज लो कहना जब सारा भाजया तो बाकी तो गादड़ गन्ना में पड़ गया, अरबी में तो छाज लो फंस गए गन्ना में, क्या लंबरदार जी आ जाओ, क्या सारी लंबरदारी को नहीं आवा जाए, और लंबरदारी लेके बैठ गई गन्ना छाज लो गन्ना में फंस गयो, तो ये है बाहर की लंबरदारी मारा छाजला माना आते ना बोली जाने जाएगा। फिर एक और पार्टी आई, चुकर एक भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस की पार्टी है, तो गादला ने दूसरी पार्टी आई कि अभी आप लंबरदार बनाना, लंबरदार के गादड़ी गादल गया जंगल में गड़ो मारना, तो एक इतना बड़े कागज मिल गयो, लंबरदार कहने लगे गादड़ के मैं भी पक्को कागज मिल गयो, अब कुत्ता क्यों गुण गया लिसान से पक्को पड़ गयो। तो एक दिन काम में घूमता घूमता गया और कुत्ता पड़ गया मगर, पर गादड़ी कह वो कागज दिखा लिसान से कहना बाजिया वो सारा अनपढ़ गया गंड के, गंड के अनपढ़ बाज ले कहना चोरू हाँ अनपढ़ कोई को नहीं, तो भी मारी लंबरदारी अनपढ़ है, जिसके पास लंबरदार नाम है संतों का पूरा, वो तो पूरे फकीर का नाम है, तो गंडक के काल महाकाल नेड़े नहीं आता है जी। अब मान पढ़ाई जो है आदमी को लेके बैठ जाती है, मैंने सही फरमाया करते थे किसी के ऊपर हुक्म ना चलाओ, हुक्म मानने वाले बनो, संगत का हुक्म मानो, संगत के चरणों की दूर बनो, संगत की लांट खाओ फिर फायदा खा सकते हो, बिना मत उतने संगत पर लंबरदारी करनी, आपने भांडे नहीं मांजे, आप ऐसे क्यों बैठ गए, आपने जूती वहां उतारनी थी, आपने मोबाइल वहां रखना था, लंबरदार है ये सुखी लंबरदारी माने को नहीं जान दिया, क्या सेवादार मालिक की दरगाह में जाएगा लंबरदारी जो अटे रहे ना, आज तक किसी की गई है ना जाएगा, कि जितना फकीर होया सारी संगत की जूतियां कटते थे, मैनेजर साहब जी सत्य सौदे मस्ताना जी के टाइम संगत की लेटर उठाया करते थे चोरियां, किसी को पता ना पड़े मस्ताना जी कहते भी ये टीकरे रखे हुए लेटर फिर बैठो, तो मैनेजर साहब जी 4-3 बजे लेटर सर के गिर गया करते थे। सेवा इसको कहते हैं कोई ना करे हम करें वो सेवा है, ये थोड़ा जब कुर्सी पर बैठ के हेलो हेलो कर दी थे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो कोई सेवा नहीं है। हाँ सेवा वो है फकीर के हुक्म की, फकीर चाहे मारे को घास खोदने की सेवा दे दे वो मारे लिए पद्म पद है, वो सोने पर सुहागा है,
पर मनमर्जी की सेवा काम ना करो वो कुछ नहीं करेगी। तो भाई जिन संतों ने फकीरों ने अपना वचन माने अपने मुर्शिद का संगत की चरण दूर बने आज उनका नाम दुनिया ले रही है। कबीर साहब का, गुरु नानक देव जी महाराज का, कहो नीच कर्मा शरण पड़े की राखो शर्मा, है जी कितनी कितनी संतों ने संतों की नामते पड़ी पर उन्होंने परवाह नहीं करी। आज हम वो कंटीन है ना डेरे की, तो वहां गए तो कुदरती कुछ तो उठने रह गए, मैं दो तीन आदमी नमे थे आगे चले गए, तो आके उन सेवादारों की मीटिंग हो रही है कृष्ण सके थके तू तो आपके जो प्रधान है ना किसी का नाम खजूरी का, वो खजूरी का प्रधान था क्या, मैं आठवीं में पढ़ता था मेरे को प्रधान बनाया है, तो कोई बात चल पड़ी कहां से आए भाई गजन महाराज से आए, नाम लिया है मुझे हाँ लिया है, अच्छा लॉकट डाला आपने लॉकट, मगर लॉकट तो हमने अंदर बाबा जी की तस्वीर हृदय में बसा रखी है, फिर मैंने लॉकट की बात बताई मगर जब थोड़ा सा रोला पड़ा तो लॉकटों की बेअदबी हुई, मस्तानंद की फोटो संतों की फोटो डेरे आके नहर है ना जी, इतना डेर लग गया पड़ा है लॉकटों का, मगर इतनी बेअदबी हुई लॉकट इस हम लॉकट इसलिए डालते, तो वो दो तीन जनानियां रोड वाला थी बड़ा उन्होंने झगड़ा कराया, वो प्रधान था ना वो कहता है ऐसे करती है, फिर कृष्ण से बात कराई फिर बाद में बड़े खुश हुए, मैं कह लोक जो है एक लोक दिखावा है कि हम बड़ा प्रेमी है भाई लॉकट पार्क है, लॉकट क्या करेगा जब फकीर बाटे में है उससे फायदा ना उठाया हमने तो लॉकट क्या फायदा करेगा भाई, हमारे दिल में तो सौ सौ पाप है लॉकट क्या करेंगे भाई, है भाई वो कहते हैं ना तू सुतारा बजागदा तेरी डाढ़े में प्रीत, तो प्रीत सतगुर से करो झाड़ू दे मसीत, तो झाड़ू अंदर की देनी है आप, तो फिर कुदरती बरसात आ गई एकदम जोर की, फिर मैंने आधा घंटा बड़े बातें करने का टाइम मिल गया भाई, फिर कभी तो चार पूछे कभी पानी पूछे कभी कुछ पूछे, कुर्सियां पर बैठ गए क्यों राजा जी एड्रेस लिया और बड़े खुश हुए, फिर तो बड़े खुश हुए वो तो बेचारा बड़ा ही खुश होया कि मैं गुरु की संगत को जानता हूँ सारों को, यही कह रहा था राजा उसका नाम ईश्वर नाम है टेलीफोन नंबर दिया, उधर बड़ा भजन सिंह सेवादार सेवादार के अंदर तो वो बात ही न्यारी होती है, वो तो जनानियां तो ऐसे बात के पड़ गई जैसे वो डूमना मुख्याल होता है ना उससे पहला छटाना दोहरा हो जाता है, वो डूमना मुख्याल पटकों से खा जाता है, ये याद है जिसके अंदर प्रेम का काम नहीं है जिसके अंदर मन का प्रेम नहीं है बस बाप ने जब माँ ने तो मस्ताना से नाम लिया हुआ था जी मस्ताना से नाम दिया हुआ था तो सारी मैं ऊपर की शब्द को जानता हूँ तो भाई अब कोई वो मोर को भी जानता है सारों को जानता है वो हाँ जी नानका बिल्कुल हाँ जी तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तेरी नजर से है दिल मेरा घायल तेरी नजर से है दिल मेरा घायल शाम का
किया था। बड़ा प्यार का सुनाया अभी बाबू। आज प्रोग्राम वहाँ सचान कोटली भी है डेरे में, राय राम जी 1 तारीख है ना जी? हाँ लाभचंद बढ़ रही है क्या आज? सारे गांव का ही कोई है कोई? हाँ क्या नाम बताया अभी? छोटी राम, छोटी राम। अच्छा नाम मस्ताना से लिया हुआ आपने? अच्छा है तो अच्छा हाँ हमारे गांव का ये करतार का लड़का है, करतार का डालिए का करतार नहीं है उसी का है। तो वो अब गांव वालों को तो पता ही है मुकाम में चला गया। अच्छा और वहां पे वो पूरा पुजारी बन गया। अच्छा अच्छा। और फिर किसी को हमारे गांव वाले को चले गए वहां। अच्छा उन्होंने देखा रे ये बिस्नैयों का मंदिर ये पेड़ कुट यहाँ प्रधान बड़ा बैठा है। फिर उसकी पोल पार्टी तो वो वहां से भाग गया। कटे आठ मन मुझे निकले आठ मन एक जर्सी निकलती है नहीं राजा बना बैठा। अच्छा जी। और फिर यूं और कहते बोले मैं मस्ताना जी से नाम लिया पहले उम्र पूछो नहीं तो चुगली खतरे तो कौन आया कि आप अगले पर्सनल लाइफ को लेने अपन सत्संगी बात करो आप वो भी वो काम है बहुत गुरु तेरा यार अगला करेगा तो राइट और एक काम भी सुनाने भी सब गुरु तेरा राजा राम के बड़ा ना जन्मपत्री साड़ी खोल देता है जन्मपत्री साड़ी खोल देता है बाजा बजाया तो काम बढ़िया उसके आगे मेरा बाजा नहीं बजा ना आज तक वो मेरे सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल वाह भाई वाह। राजा राम तेरे को प्रेमी उधर राजस्थान में और बहुत जान करते हैं यार। बुनने छोड़िए उसे दंदन सतगुरु तेरे यात्रा लग्या रे गुरु चरणार लार मन मेरा लग्या रे लग्या रे गुरु चरणार लार मन मेरा लग्या रे लग्या रे गुरु चरणार लार मन मेरा लग्या रे बड़ी बाबे की मेहर है बड़ा प्यार बाबे ने देखो तो बुलाया ना माना बुलाया यार माना तो नाराजगी है कि यार मारा इतना पुराना प्रेमी ब्याह में बुलाया को नहीं बुकड़ों में गुड़ फोड़ लिया बुकड़ों में गुड़ फोड़ लिया क्योंकि और ना तो चाहते अब आगे के लिए काम नहीं करना मारा राय राम को बुलाना है I'm gonna go to the hospital.
ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ ਰਾਜ ਰਾਮ ਕੋਲ ਬੈਠਾ
इनकी बारी आएंगे जी के बोले बोलो बोलो भजन चलो जमारा जाना है अच्छा और कितने जाना भाई वैसे प्रेम है जी नहीं उनका नाम तो जाना सीधा ही प्रेमी नाम का प्रेमी चलता फुलता प्रेमी है जी ठीक है गा ले तू नहीं जी इन्हे एक और भी है जी एक एक ही देवांगे जी हां जी हां जी Yeah, I'm a child.
लगती सी क्यों रुख सवारी लगती सी क्यों दहल वे तो वगती सी भैया राम बजोरी
जन्म सतगुरु जी कृपा की मन निज बतायो ना सहजा सहजा चालता तो आन पूछिया सतगुरु जी कृपा तुम्हारे लगे निशान चोट सुमरन ऐसा सा जिया ना कंठ हिले ना सकीरी मेरे मन में वसो Oh, hey.
कबीर है निराकार, कहो को निरभ विमान है, कहो को जावे बस। सतनाम का मतलब सच्चा नाम जो मालिक की दरगाह से आ रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं ना। हाँ जी Thank you.
Yeah.
भाई बड़ी जान लगा के बोले भाई बजाते हैं क्या नाम है अपने मोपेरे भी वो ढोलके बजाता है उसका क्या नाम है राय राम बंता राम ये बंता राम मैं बंता राम भी समझा था वो बैठा है कि वाह आपने तो भाई गान बजाने वाले की जब खान खुली हुई है जी मैं मकराना में पुत्र की खान है ना बंता सिंह ते संता सिंह दोनों भाई है अजय बंता सिंह ने वो संता सिंह है की बात वाह जी बहुत बहुत अच्छा बोलिया फिर कमाल करती भाई ये दिल लगे
I'm gonna make you mine.